बच्चे वाली बातें मत करो। मैंने बहुत सोचा, ये शादी अब नहीं चल सकती। ठीक है, देखो तुम इस वक्त गुस्से में हो, पर ये फैसले जज्बात में आके नहीं किए जाते। इसमें तो पैसे ही नहीं लिखे, हो सकता है वो आपसे डिस्कस करने के बाद लिखे। यार नींद नहीं आ रही तो आ जाऊं, गपशप लगाते हैं बैठ के। अरे अब क्या हो गया, सोता क्यों नहीं है? फायदे की याद आ रही थी ना मुझे। अरे उसका पीछा छोड़ दे, कमबख्त शादी हो गई है उसकी। पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब। कैसे समझाऊं इन दोनों को, देखना एक रोज बहुत पछताएंगे। भाभी प्लीज रोए तो मत। बेटा बेटा यकीन जानो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कंग्रेचुलेशंस अलीना। थैंक यू। शो कब शुरू होगा? मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह इन अ वीक्स टाइम शुरू कर देंगे काम। तुझे अपनी एक्टिंग की पड़ी है और यहाँ हमारी 30 साल की नौकरी खतरे में है। मैं एक्टर बन गया ना, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी अच्छा बंगला लेंगे तारिक रोड पे। You know, son in law, you're a very lucky man. किस्मत तो तुम्हारी अब बदलेगी। आज से देविका भी तुम्हारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी, इसकी खुशियां भी तुम्हारी और इसके 500 मिलियन पाउंड भी तुम्हारी। आ जाओ। सामिया, सब इतना खुश क्यों लग रहे हैं? आप फुप्पो बनने वाली हैं? Really? जी। जल्दी से बुआ से कहो कि मिठाई मंगाए, मैं दादा बनने वाला हूँ भाई। मैं भाई को बताकर आती हूँ। पागल हो, भाई को सामिया बताएगी? नहीं अलिश्पा, तुम खुद ही बता दो। अच्छा आओ हम साथ बैठे। I'm really excited for you. अरे भाई बुआ, भाई मिठाई मंगाओ भाई, जल्दी करें। भाई भाई उठे। क्या हुआ भाई? आपके लिए न्यूज लेकर आई हूँ। क्या? सामिया भाभी अभी डॉक्टर के पास गई थी। कैसी तबीयत है उसकी? अब तो उनकी तबीयत कई दिनों तक ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप बाबा बनने वाले हैं। What? जी भाई, हमारे घर एक छोटा सा बेबी आने वाला है। Are you sure? जी भाई, अभी डॉक्टर नाला ने कंफर्म किया है। क्या हुआ भाई, आप खुश नहीं हैं? हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ बहुत, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। पक्का खुश है? हाँ। तो दे ताली। कैसे हैं दादा जान, क्या सोच रहे हैं? बाबा क्या हुआ? तुम नहीं सोच सकती बेटा कि मैं इतना परेशान क्यों। बीवी 25 साल बाद मर्द का हिस्सा बन जाती है। तुम्हारी मां के बाद मैं बिल्कुल अधूरा हो गया हूं। अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? उसके जाने के बाद पता चला कि आधा बोझ तो उसने उठाया हुआ था।
काश वो मर जाती तो इतना दुख ना होता मुझे। आपको पता है बाबा, मुझे तो रोना भी नहीं आता। बेटा, तुम लोगों की वजह से तो मैं जिंदा हूं, न तुम्हारी मां ने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा, बर्बाद कर दिया मुझे। देखिए बाबा, आपका दिल बहलाने के लिए इस घर में रौनक आ रही है। रौनक आ रही है, सामने अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए घर में वापस आई है। वो अजर बेवकूफ, वो उसको फिर कुछ कह देगा, वो फिर अपने घर चली जाएगी और ये सिलसिला चलता रहता है इस घर में। नहीं बाबा, वो समझ गई है और अजहर भाई भी एहतियात करेंगे, लेकिन यू एंड मी, वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। सुन लिया तुमने? हाँ। लेकिन अगर इतनी बड़ी खबर तुम मुझे खुद देती तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ सर, किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे? क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? एक लड़की सारी जिंदगी इस लम्हे का इंतजार करती है, लेकिन मैं तो खुश भी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं रहना चाहती हूं मैं तुम्हारे साथ, और आज ये घर में हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। समया, मेरे करीब मत आओ। क्या किया तुमने अजहर? मेरी सारी खुशियां छीन ली तुमने और उस लड़की ने। मेरी 3 साल की खिदमत का ये सिला दिया तुमने मुझे? तुम्हें औलाद की ख्वाहिश तो थी ना? मेरी तमाम ख्वाहिशात का गला तो तुमने उसी दिन घोड़ दिया था जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कोई बाबा कहे। क्या सोचा था मैंने, इस वक्त के लिए तरस रही थी मैं। सामिया, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सामिया, I hate you, अजहर, I hate you। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा अजहर। इतना बड़ा धोखा खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सामिया प्लीज, मुझे माफ कर दो। सामिया प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम क्यों अपनी दुश्मन बन गई हो? Why did you do this to me, Azhar? How could you do this to me? हमारे सारे ख्वाब जो हमने मिलकर देखे थे सब बर्बाद कर दिए तुमने। अच्छा सा एक ऑफिस है, अमेजिंग गाड़ी है और एक बीवी और बच्चा भी। क्या वैस शादीशुदा भी है? Happily married। सारे अच्छे लड़के या तो शादीशुदा होते हैं या फिर उम्र में बड़े होते हैं। बड़ी बातें करने लगी, आप ही से सीखे आपा। यू नो अलिश्पा, मुझे लगता है तुम में बहुत पोटेंशियल है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। अगर तुम चाहो तुम पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचाना। खैर, डू यू थिंक सामिया मान जाएगी? पता नहीं, लेकिन हाँ भाई ज़रूर अलर्ट हो गए। इतने कमीने होते हैं ना आदमी। पापा, औरतें भी कुछ कम नहीं होती। ट्रू। पता है
कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स के लिए एक फंक्शन अरेंज हुआ था एंड गेस व्हाट व्हाट राहिल सारे अवार्ड्स जीत गया. सीरियसली? या लेकिन वो फंक्शन में आया ही नहीं. क्यों? बस आपने कभी किसी मजनू को कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लेते देखा है? नहीं. बस यही रिवायत रखने के लिए नहीं आया वो. वाओ, दैट्स काइंड ऑफ रूड एंड सेल्फिश. एक्चुअली उसे ना सुनने की आदत नहीं है. दैट्स टू बैड. चलिए ये बताएं, आप मुझे शूट पे कब लेके जा रही हैं? जब तुम कहो. इनफैक्ट मेरी अगली शूट पे आ जाओ. आई एम श्योर वेस वोंट माइंड. डन. ही इज रियली गुड लुकिंग. मुन्नू, मुन्नू, दीदाजी, आलम, ये क्या हुआ? अरे अभी हुआ नहीं, होगा. ये मिठाई को क्या हुआ? क्यों, क्या खराब हो गई? क्या खराब नहीं हो गई दादी, ये 800 रुपए की मिठाई थी. 10 मिनट में कौन खा गया ये? अरे हाँ, तो सबको खिला दी. मासी को खिला दी, जमादार को दे दी, तू चौकीदार को भी दे दे. दो में से भी एक चौकीदार को देनी पड़ेगी. एक तू खा ले, एक चौकीदार को दे दे. दादी गुलाब जामुन भी कोई एक खाते क्या? कम से कम 6 तो होनी चाहिए. एक तो मेरे दांतों में फंस जाएगी. कम वक्त तू दोनों खा ले. खाता हूँ मेरी गुलाबो. अब ये घूर क्या रही हो? कभी कोई खूबसूरत मर्द नहीं देखा है क्या? ठूसले से. Azra, I hate you. But I love you. And I'm sorry. मामा को तुम बताओगे? बहुत परेशान है वो. मेरे बाबा की भी नींद उड़ी मियाँ. प्लीज उन्हें भी जाके संभालो. डॉक्टर के पास जाना है हम दोनों को परसों. ओके. 6 बजे पहुंचना है. ठीक है, मैं 5 बजे आ जाऊंगा. आपा, आपा ये कॉल रेडियो से. हेलो. हाँ ठीक हूँ. नहीं यार, आई एम रियली सॉरी, आई कांट मेक इट टू द शो. इन फैक्ट ऐसा करो कि मेरे इस हफ्ते के जितने भी शोज हैं उनको प्लीज़ कैंसिल कर दो. हाँ यार, सबके मसले होते हैं. व्हाट डज दैट मीन? लिसन, That's not my problem. अच्छा बताओ, चेक कब मिल रहा है? फाइन, मैं ड्राइवर को भेज दूँगी. बाय. आप, आपका रेडियो शो आजकल रोज़ स्किप हो रहा है. यार मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे इस शो में. तो आप तो कहती थी मैं रेडियो शो कभी नहीं छोड़ूंगी. हाँ, बट इट्स नॉट द सेम. एक्साइटिंग ही नहीं रहा. खुदा ना खास्ता अगर आपका टीवी शो ना चला तो. पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा चैनल्स हैं. अवेस इज नॉट द ओनली वन हु कैन हेल्प मी. गुड, जीती रहो. इब्राहिम भाई, पहचाना आपने? कमाल है, कमाल है. दाद देता हूं आपकी याददाश्त की.
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अजीब सी फीलिंग है। नाम? जी अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार, हम क्या कहेंगे? अब्दुल गफ्फार ही कहेंगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम लड़कियाँ किचन में तो नजर आईं। अबे क्या कान के नीचे हाथ धरूंगा तो आवाज आएगी क्या? कौन है भाई तू? पता है उम्र में इतनी बड़ी चोट इतनी मुश्किल से ठीक होती है। खैर है, वो रेस्ट करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार मुझसे मेरा कोई नहीं छीन सकता, मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया। Thank you.